अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, सो क्यों पार्ट टू किधर है? किधर है यार, फाइनली आ गया। रियली सॉरी यार, मतलब आप लोगों को कितना वेट करना पड़ा, तकरीबन एक महीना तो हो गया ना तकरीबन। हाँ, मैंने टिकटॉक पे वीडियो डाला था तकरीबन एक महीने पहले, ठीक है। मैंने बोला था जो जो मुझसे मतलब जो जो पूछना चाहते हैं वो पूछे, और फिर इसका मैं आंसर दूंगा अपनी यूट्यूब पर। तो उसका एक महीना हो गया, लोग बोल रहे हैं यार किधर है क्यों आ ही नहीं रहा, पार्ट वन आ गया, पार्ट टू किधर है? सो फाइनली हियर इज पार्ट टू। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, सो फ़ोन में चार्ज नहीं था और बस इधर बुक में लिख दिया, इधर से ही पढ़ूंगा, जो जो है मुझे पसंद आ गए वो मैंने उठाई है। तो चलिए, पहला सवाल जो है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर? जी मेरा फेवरेट कलर जो है ब्लैक है। और एक बात और, अच्छा मैं इसमें किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि गलत बात है। मैंने किसी से पूछा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक महीने बाद मैं बना रहा हूँ, तो ये गलत बात है कि मैं किसी का नाम मेंशन करूँ। तो मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, बस जो जो सवाल है मैं उसका जवाब दूँगा। अच्छा जी, दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कंट्री? जी मेरा फेवरेट कंट्री जो है वो है जापान। अच्छा जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ योर रियल नेम? भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? अच्छा, मेरी फेवरेट मूवी जो है तारे जमीन पर, तकरीबन मैंने 11-12 बार तो देखी होगी, मैं सच बोल रहा, झूठ नहीं बोला। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, आप लोग भी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, बहुत ही मीनिंगफुल मूवी है, बहुत ही बेहतरीन मतलब स्क्रिप्ट है। और इस मूवी में एक लेसन है जो आप लोगों को मतलब आप लोग उससे एक कुछ गेट कर सकते हो, सो जाके ज़रूर देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टिकटॉक बनानी में कितना टाइम लगता है? यार तकरीबन एक टिकटॉक बनाने में मिनट क्या यार, मतलब मैं तो बोलता हूँ बस फ़ोन उठाओ और शूट करो, 3-4 बनाओ, जिसमें एक साउंड पे 3-4 बनाओ, जो भी फिर आपको पसंद आए उसमें से एक उठाओ, बाकी जो 3 है वो डिलीट करो, एक बचेगा तो बस वो अपलोड करो। तो बस ये सीन है, मैं तो खुद ऐसा करता हूँ, मैं 3-4 बनाता हूँ जो मुझे पसंद आ जाए, फिर उसमें से एक ही कोई चूज़ कर लेता हूँ और सारे डिलीट कर देता हूँ, तो ये सीन होता है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट सवाल है, टीम आपके पास कौन सा फ़ोन है? जी मेरे पास है आईफोन 6, उसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है और बेहतरीन डिज़ाइन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं आपको खाने में क्या पसंद है? यार मुझे खाने में बिरयानी पसंद है, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी, लेकिन मटन वाली बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, चिकन वाली नहीं, मटन वाली, चिकन मैं नहीं खाता, सो मटन मुझे बहुत पसंद है, और मटन वाली बिरयानी तो ओहो क्या मज़ा है, ज़बरदस्त। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बॉलीवुड एक्टर आपको पसंद है? यार मुझे रितेश देशमुख बड़ा ही बेहतरीन एक्टर है, बड़ा ही रियल एक्टर है, मैं समझता हूँ कि यार वो एक नेचुरल एक्टर है, वो जैसा वो रियल लाइफ में वैसा वो एक्टिंग अपनी मूवीज़ में करता है, सो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्टर है वो। आप उसके मतलब कुछ क्लिप देखे, यूट्यूब में जाके देखे और आपको पता चल जाएगा, वो बड़ा ही बेहतरीन एक्टर है यार, सो मुझे वो पसंद है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट सवाल है, आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं? मेरी वॉलेट में तकरीबन करोड़ों रुपए है, अभी तो मेरा वॉलेट है ही नहीं, अभी मेरे पास है ही नहीं। ओके जी, सो यही था आज का क्यूएनए, पार्ट टू हो गया, ठीक है, 1 महीने बाद पता नहीं कितने टाइम हो गया। अच्छा जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको। और ये लास्ट क्यूएनए था टिकटॉक का, ठीक है, इसके बाद मैं कोई क्यूएनए नहीं बनाऊंगा, और इंशाल्लाह और वीडियोस आते रहेंगे, इंशाल्लाह एक और वीडियो पे शूट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, बस उसका पोस्ट प्रोडक्शन बाकी है, वो हो जाए फिर वो भी अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। और अभी के लिए पीस। भर के अब जी ले हम, बस ये अरमान है, डगमग डगमग झूम जाए हम जग।